वहाँ देखिए सबकी लड़ाई पप्पू यादव से ही है। पप्पू यादव निर्दलीय हैं, मगर बीमा भारती यानी राजद की लड़ाई भी पप्पू यादव से है और जदयू की लड़ाई यानी एनडीए की लड़ाई भी पप्पू यादव से है। दिलचस्प बात है कि पप्पू यादव पूर्णिया में जब निर्दलीय लड़े हैं चुनाव जीते हैं। आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया या एनडीए इसी में से किसी एक को चुनिए, तो इसका मतलब साफ है कि इस दोनों में से किसी को चुनिए, पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर मत चुनिए। अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को उन्होंने साफ मैसेज देने की कोशिश की है। इसका मतलब तो माना जाए कि तेजस्वी यादव ने एनडीए के लिए ही वोट मांगा। हाँ, बिल्कुल घुटने टेक देने वाली बात कह सकते हैं कि वो, उनको पता चल गया कि पप्पू यादव की वहाँ पर क्या औकात है और क्या है, तो वो उन्होंने एक तरह से घुटने टेक दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। बिहार की राजनीति में यादवों के कोई बड़े नेता उभर कर सामने आए, ये लालू का परिवार चाहता नहीं है। और पप्पू यादव ने जो खुला चैलेंज दिया है, उससे लगता है कि पप्पू यादव अगर जीत के गए तो एक बड़ा मैसेज यादव समाज में भी जाएगा कि माने एक यादवों का एक नेता खड़ा हो गया। अब पूर्णिया में स्थिति ये हो गई है कि यादवों का नेता इस प्रदेश में कौन होगा, यादव किसके सर पर ताज बांधेंगे, इसका फैसला होना है। और इतनी तीखी लड़ाई के लिए खुद राजद जिम्मेवार है, राजद ने ही इस लड़ाई को इतना तीखा बना दिया है। तेजस्वी की सभा में उतनी भीड़ भी नहीं थी, कोढ़ा प्रखंड में उनकी जनसभा थी, लेकिन वहां पर यह देखने को मिला कि जब उन्होंने ये बात कही इंडिया या एनडीए, तो फिर पप्पू यादव जिंदाबाद का खूब नारे भी लगे। हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव ने वहाँ एक माहौल बना दिया है। पप्पू यादव को लोग वहाँ के मन, खासकर यंग जो है जनरेशन, वो उनको बहुत पसंद कर रहा है। युवा बूथ पर जाएगा तेजी से और वोट करेगा, और उनकी एक माने हवा उन्होंने बना दी है। अब ये स्पष्ट है कि या तो एनडीए, माने ये तय है कि पप्पू या एनडीए। ये भी आश्चर्य की बात है कि अभी तक पप्पू यादव का निष्कासन नहीं हुआ या कोई शोकॉज नोटिस तक नहीं हुआ कांग्रेस की ओर से। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में राजनीति अब बहुत ज्यादा जोर मार रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव आर पार के मूड में आ गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार को जवाब तो वो दे ही रहे हैं, दूसरी तरफ आज पूर्णिया में जो पप्पू यादव के लिए उन्होंने बात कह दी, उससे साफ झलकता है कि पप्पू यादव को लेकर उनके दिल में क्या है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अभी तक कांग्रेस के खेमे से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। हो सकता है कि आज देर शाम तक ऐलान हो जाए, हम लोग की चर्चा जब तक हो रही है तब तक हो जाए, लेकिन आखिरकार कांग्रेस इन 6 सीटों पर क्यों पिछड़ गई, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं और रवि रंजन जी हैं। सबसे पहला सवाल तो तेजस्वी यादव का, आज जिस तरीके से पूर्णिया में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि या तो आप इंडिया को चुन लीजिए और अगर आपको इंडिया नहीं चुनना है तो एनडीए को चुन लीजिए, साफ बात है, इसका क्या मतलब अब निकाला जाए? इसका मतलब यही है कि वो पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर लोकसभा में पहुंचता नहीं देखना चाहते हैं और पूरी ताकत अपनी वो लगाए हुए हैं पूर्णिया में। इसके पहले जमुई में भी वो कई बार गए थे, मगर अब तक जितना प्रचार उन्होंने किया उसमें सबसे ज़्यादा फोकस उनका पूर्णिया पर है। पूर्णिया पर लगभग हर 2-3 दिन के बाद एक बार वो घूम आ रहे हैं और अलग अलग इलाके में सभा कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि कितना प्रतिष्ठा की सीट उन्होंने वो बना ली है। और पप्पू यादव पहले संभल संभल कर बोल रहे थे लालू परिवार पर, मगर अब वो भी आर पार की लड़ाई में उतर गए हैं और खुल कर बोल रहे हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की भी बहुत कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो वहाँ की लड़ाई बहुत तीखी हो गई है। और आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया या एनडीए इसी में से किसी एक को चुनिए, तो इसका मतलब साफ है कि इस दोनों में से किसी को चुनिए, पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर मत चुनिए। अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को उन्होंने साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर हमको नहीं चुन रहे हैं तो एनडीए को वोट दे दीजिए, मगर पप्पू यादव के साथ मत जाइए। अब इसका क्या असर होता है, मतदाता किस रूप में इसको लेते हैं, उनके समर्थक किस रूप में इसको लेते हैं,
तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसका मतलब तो माना जाए कि तेजस्वी यादव ने एनडीए के लिए ही वोट मांगा। हाँ बिल्कुल, घुटने टेक देने वाली बात कह सकते हैं कि उनको पता चल गया कि पप्पू यादव की वहाँ पर क्या औकात है और क्या है, तो वो उन्होंने एक तरह से घुटने टेक दिया और कहा कि आप हो सके तो एनडीए को दे दीजिए, माने इनको मत दीजिए। तो वो मान चुके हैं कि बीमा भारती उनकी जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ से हारने जा रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। बिहार की राजनीति में यादवों के कोई बड़े नेता उभर कर सामने आए ये लालू का परिवार चाहता नहीं है, और पप्पू यादव ने जो खुला चैलेंज दिया है उससे लगता है कि पप्पू यादव अगर जीत के गए तो एक बड़ा मैसेज यादव समाज में भी जाएगा कि माने एक यादवों का एक नेता खड़ा हो गया। तो तेजस्वी यादव को अगर बिहार में राजनीति करनी है और बिहार में उनको मुख्यमंत्री के पद पर जाना है तो उनके लिए पप्पू यादव एक यंग और कह सकते हैं जोश से भरे हुए एक नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, तो उनका जीतना आरजेडी के लिए बहुत बड़ा ये हो जाएगा। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि पप्पू यादव जीतें, कि कोई यादवों का एक दूसरा चेहरा खड़ा हो जाए। ये बात माना जाए कि अब इस बार के चुनाव में खासकर पूर्णिया में अब यादवों के भी टेस्टिंग है कि वो किसके साथ हैं, लालू परिवार के साथ या फिर पप्पू यादव के साथ, क्योंकि अब तक तो कहा जाता था कि लालू यादव समाज पर एकाधिकार है लालू यादव का, क्या पप्पू यादव उस मिथक को तोड़ देंगे? वो एक अधिकार टूटता हुआ दिख रहा है। अब तक मधेपुरा के बारे में ये कहावत थी कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी वहाँ से जो जीतेगा यादव ही जीतेगा, वहाँ उनकी ज़्यादा तादाद थी इसलिए ये कहावत बना था। मगर अब पूर्णिया में स्थिति ये हो गई है कि यादवों का नेता इस प्रदेश में कौन होगा, यादव किसके सर पर ताज बांधेंगे, इसका फैसला होना है। और इतनी तीखी लड़ाई के लिए खुद राजद जिम्मेवार है, राजद ने ही इस लड़ाई को इतना तीखा बना दिया है। एक सीट अगर चली भी जाती हाथ से तो कोई बात नहीं थी, मगर जिस तरह से उन्होंने आज ऐलान कर दिया वहाँ कि एनडीए या इंडिया पप्पू कभी स्वीकार नहीं होंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो पप्पू को अपने लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं और आगे की राजनीति में वो उसको अवरोधक मान रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर पप्पू यादव वहाँ से जीत कर न जाएं, ताकि ये मैसेज न जाए कि यादव के एक और नेता बिहार में हो गए हैं। मगर अब पहले वाली बात नहीं है, जिस तरह से 90 में लालू यादव का जलवा हुआ करता था वो अब बहुत कमज़ोर पड़ा है, और यादव भी अब समझ रहे हैं कि राजनीति करके और खुद का लाभ लेने वाले ये लोग हैं, यादव समाज का भला इनसे बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। इसलिए सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राह तय कर रहे हैं और अपने हिसाब से वोटिंग भी कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जरूर जो उनके साथ हैं, अभी भी एक बड़ी तादाद उनके साथ जरूर है, मगर अब वो पहले वाला एक छत्र राज नहीं रहा, ये तो देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव जहाँ जा रहे हैं एक बड़ी भीड़ उनके पीछे है, लेकिन तेजस्वी की जो जनसभा है, बीमा भारती जो भीड़ जुटा रही है, उतनी ज़्यादा संख्या नहीं पहुँच रही है। क्या अब वही है प्रभाव और असर की तेजस्वी यादव को ये बात भी बोलनी? पूर्णिया में जिस तरह से चुनाव प्रचार चुनाव अभियान चला है दोनों ही तरफ से, ये जदयू के जो वहाँ पर प्रत्याशी हैं वो तो बिल्कुल शांत हैं, और इन लोगों ने बहुत एग्रेसिव प्रचार भी नहीं किया है। एग्रेसिव प्रचार तो बीमा भारती ने और इन्होंने किया है। अब देखिए, बीमा भारती को भागलपुर की सभा में ले गए और वहाँ दिखाया कि माने ये हमारी कैंडिडेट पूर्णिया में, वो दिखाना चाह रहे हैं राहुल गांधी के सामने फोटो खिंचाया कि वहाँ पर ये हो जाए। लेकिन खाली यादवों की बात नहीं है, MY समीकरण दरक रहा है और बिहार के अनेक जिलों में अनेक लोकसभा सीटों पर आप ओवैसी ने जो चैलेंज खड़ा किया, उन्होंने तो आज एक ऐसी बात कह दी तेजस्वी को लेकर ओवैसी ने कि उसको लेकर हलचल है। आप देखिए सिवान में वो खड़ी हो गई हैं शहाबुद्दीन की वाइफ जो है, तो ये मुस्लिम मतदाता भी अब ये समझने लगा है कि इन लोगों ने अब तक ठगने का काम किया है और इसलिए अब दूसरी राह पर चलना पड़ा। तो तेजस्वी की सभा में उतनी भीड़ भी नहीं थी, कोढ़ा प्रखंड में उनकी जनसभा थी, लेकिन वहाँ पर ये देखने को मिला कि जब उन्होंने ये बात कही इंडिया या NDA तो फिर पप्पू यादव जिंदाबाद के खूब नारे भी लगे। हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव ने वहाँ एक माहौल बना दिया है। पप्पू यादव को लोग वहाँ के मैंने खास करके यंग जो है जनरेशन वो उनको बहुत पसंद कर रहा है। युवा बूथ पर जाएगा तेजी से और वोट करेगा और उनकी एक मैंने हवा उन्होंने बना दी है। अब ये स्पष्ट है कि या तो NDA मैंने ये तय है कि पप्पू या NDA अब वहाँ पर यही जीत। इसमें देखिए एक और रेखांकित करने वाली बात है
कि इस लड़ाई में कांग्रेस जो है जिसमें वो शामिल हुए थे, पप्पू यादव अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कराया था, वो कांग्रेस पर्दे के पीछे से पप्पू यादव को बैक कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सभा भागलपुर में हुई मगर वहाँ नहीं हुई, पूर्णिया में नहीं हुई, जिस सीट को तेजस्वी यादव ने और पूरे पार्टी ने, राजद ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, नाक का सवाल बना लिया है, वहाँ उन्होंने जरूर आग्रह किया होगा राहुल गांधी से या खड़गे जी से या कांग्रेस के और बड़े नेताओं से कि आप वहाँ कार्यक्रम दीजिए, सभा कीजिए, मगर उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया होगा। और अभी तक ये भी आश्चर्य की बात है कि अभी तक पप्पू यादव का निष्कासन नहीं हुआ या कोई शोकॉज नोटिस तक नहीं हुआ कांग्रेस की ओर से, जबकि कांग्रेस के आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया है, कांग्रेस वहाँ नहीं लड़ रही है मगर वो उम्मीदवार बने हुए हैं। तो इसका साफ मतलब है कि पप्पू यादव को कांग्रेस की बैकिंग है और वो बैलेंस बनाना चाहती है पार्टी यहाँ, कि लालू परिवार को ही सब कुछ न सौंप दिया जाए, कुछ अपने लिए भी बचा कर रखा जाए, और पप्पू को इसी नीति के तहत वो पिछले दरवाजे से समर्थन दे रही है। जिस प्रकार से तेजस्वी की सभा में विरोध हुआ तेजस्वी का, जब उन्होंने ये बात कही थी पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगे, काफ़ी देर तक वहाँ पर थोड़ा बवाल जैसा माहौल बन गया, क्या कहा जाए कि इस जो तेजस्वी ने कहा जोश जोश में कह दिया, उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी देखिए पूर्णिया के लिए बाहरी हैं, उनका बहुत कम वहाँ से आना जाना या लोगों से संपर्क है, मगर पप्पू यादव वहीं के हैं, स्थानीय हैं, वहाँ के लोगों के सुख दुख में वो खड़े रहते हैं और हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे नेता के प्रति लोगों का आकर्षण रहेगा और उसके साथ वो खड़ा होना चाहेंगे। तेजस्वी तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, सभा करके चले आते हैं, तो अगर किसी को कल कोई फरियाद करनी होगी, कोई समस्या होगी, तो वो किसको खोजेगा? वहाँ तो कोई नेता उनका रहेगा नहीं, कोई प्रतिनिधि वहाँ रहेगा नहीं, तो इसलिए लोगों की प्रायोरिटी है कि पप्पू यादव को यहाँ से विजयी बनाया जाए। तीन उम्मीदवारों की लड़ाई जो है, जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव, तो क्या माना जाए अब तक का जो रुझान है, अब तक के जो माहौल बने हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? वहाँ देखिए सबकी लड़ाई पप्पू यादव से ही है, पप्पू यादव निर्दलीय है मगर बीमा भारती यानी राजद की लड़ाई भी पप्पू यादव से है और जदयू की लड़ाई यानी एनडीए की लड़ाई भी पप्पू यादव से। दिलचस्प बात है कि पप्पू यादव पूर्णिया में जब निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव जीते हैं और अब तो खुल करके कह दिया तेजस्वी ने भी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया कि पप्पू यादव हम पर भारी पड़ रहे हैं, तब उन्होंने ये अंतिम अस्त्र फेंका है कि भाई हमको नहीं तो उसको दे दो, अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तो वही पप्पू को भी मत चाहो, तीसरे को दे दो, तीसरे को दे दो। तो देखिए पूर्णिया की लड़ाई तो बड़ी जबरदस्त हो गई है, अब 26 अप्रैल को वोटिंग भी वहाँ होगी, अन्य चार सीटों पर भी उस दिन दूसरे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन देखिए बात हम अब कांग्रेस की एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि 6 सीटों पर अब तक उम्मीदवार नहीं दिए गए हैं, हालांकि हो सकता है कि जब तक हम लोग की बातचीत हो रही हो उम्मीदवार दे भी दिया जाए, लेकिन आखिरकार देरी क्यों? क्योंकि समस्तीपुर में वोटिंग होनी है, 25 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, आज 22 तारीख हो गई, अब तक शाम के 6 बजे तक आखिरकार किसी भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं करने का मतलब क्या है? जो 6 सीटें हैं जहां पर अब तक कैंडिडेट कांग्रेस ने नहीं दिए हैं, उसमें पटना साहिब हो गया, सासाराम हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, महाराजगंज है आपका, पश्चिमी चंपारण है, तो ये 5-6 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अब तक फंसी हुई है, क्या कारण है, कहां दिक्कत हो गया है? नहीं, कांग्रेस इस पूरे चुनाव अभियान में थोड़ी कंफ्यूज है और वो बैकफुट पर दिख रही है। मैंने आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जब प्रधानमंत्री ने हमला किया कांग्रेस पर, तो वो उन्होंने कहा कि अब हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, हम अपना मैनिफेस्टो उनको समझाना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करें। अरे भाई आप अपनी बात कहिए, पब्लिक में जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं और लोगों को समझाइए। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पीछे लगू बनी रही, लालू प्रसाद यादव जो चाहते रहे उस तरह से चलता रहा, और वहाँ के अध्यक्ष भी जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के शिष्य हैं, माने प्रदेश अध्यक्ष, और अब कांग्रेस के सामने मुश्किल है कि बिहार में जिन 6 सीटों पर, उनमें 4 पर माने नेता पुत्रों माने पुत्रों को टिकट देना, माने मीरा कुमार का बेटा पटना से लड़ना चाहते हैं, अखिलेश कुमार का बेटा महाराजगंज से लड़ना चाहते हैं, उसी तरह से महेश्वर हजारी जो यहाँ उनके बेटा वहाँ समस्तीपुर से, और वहाँ अजय निषाद जो हैं वो भी कैप्टन निषाद के बेटे हैं, मैंने एक
तो एक बड़े राजनीतिक परिवार के वो भी बेटे हैं, तो इन बेटों को टिकट देने के असमंजस में उसी जद्दोजहद में कांग्रेस फंसी हुई है कि बेटों को दें कि नहीं दें, या उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो आखिर समय में अब 2 दिन के बाद वहाँ समस्तीपुर में इलेक्शन होना है और अभी तक आप तय नहीं कर पाए हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि माने पार्टी क्या करने जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिरकार भाई पेच क्यों फंस गया है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, नामांकन के 2 दिन बचे हैं, समस्तीपुर सीट पर कैंडिडेट नहीं है। नेतृत्व का अभाव, इसका सबसे एक ही शब्द में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीनता की शिकार हो गई है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी समाप्त हो गई है। इसी के चलते आप देखेंगे कि शुरू से, ये सिर्फ यही 4-6 सीट की बात नहीं है, शुरू से वो पिछड़ती चली गई, प्रचार में, चुनाव की तैयारियों में, उम्मीदवारों की घोषणा में वो पिछड़ती चली गई, और अब राहुल गांधी बीमार भी हो गए, तो ऐसे में तो और ज़्यादा क्षति होगी पार्टी को, वो प्रचार में नहीं जा पाएंगे कहीं, तो ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और इसकी वजह ये है कि कोई एक नेता वहाँ नहीं है, अध्यक्ष जरूर खड़गे जी हैं मगर उनको संपूर्ण अधिकार नहीं है कि वो घोषणा कर दें, या जो कांग्रेस कार्य समिति है, जो चुनाव समिति उनकी है, वो नहीं, वो फिर राहुल गांधी से उनको क्लियरेंस लेना होगा, सोनिया गांधी से क्लियरेंस लेना होगा। तो नेता पुत्रों को तो एडजस्ट करने में कांग्रेस लगी हुई है, मगर अपने घर के दामाद को पता नहीं क्यों उपेक्षित की हुई है, जबकि वाड्रा जी कई बार कह चुके हैं, टेलीविज़न चैनलों पर आके साक्षात्कार दे चुके हैं कि चुनाव लड़ना चाहता हूँ मैं और जनता भी चाहती है कि लड़ूँ, मगर उनको, उनकी और पार्टी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो ये स्थिति है वहाँ, इतना इंटरनल खींचतान है आपस में, उसी का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी को 3 सीटें दी गई, साफ था कि लालू यादव जो चाहते थे उसी समाज का कैंडिडेट वहाँ पर उतारना पड़ा मुकेश सहनी को, क्या कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही लालू यादव का प्रभाव है कि अभी भी 6 सीटों पर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि लालू यादव का बात माने कि अपना बात चलाएं? लालू यादव का बात तो वो हर जगह मानना है उनको, वो 9 की 9 सीट पर बिना उनके सहमति से वो उम्मीदवार नहीं दिए हों देंगे, तो पहले वो तो तय करें तब ना फिर लालू प्रसाद से क्लियरेंस लेंगे, तो वही तय नहीं कर पा रहे हैं, न तो लालू प्रसाद से कैसे क्लियरेंस लेंगे, मगर लालू प्रसाद से संपर्क जरूर करेंगे और वो ये उनसे कहेंगे कि कौन यहाँ जीत सकता है, 2-3 नाम उनको बताया जाएगा, उसमें से वो किसी एक पर मुहर लगाएंगे। तो ये कांग्रेस की गड़बड़ी है। और दूसरी बात जो एक और ये है कि गिरिराज सिंह की सीट भी फंसती हुई दिख रही है, बेगूसराय की सीट, जो सबसे वोकल नेता हैं अभी बीजेपी में बिहार में, उनकी सीट अपने इसी वोकल होने के कारण फंस रही है, क्योंकि वहाँ धरती पर कहीं काम उनका नहीं दिख रहा है। एक पत्रकार ने वहाँ से फ़ोन करके बताया कि जो सांसद कोटा मिलता है 1 करोड़ रुपया, वो भी ये खर्च नहीं कर पाए, आधे से ज़्यादा इनकी रकम वैसे ही पड़ी रह गई है और खर्च नहीं कर पाए। तो अब वो सब सवाल पूछ रहे हैं, जगह जगह उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जाते हुए अचानक रास्ता बदलना पड़ रहा है, पता चल रहा है कि वहाँ नौजवान खड़े हैं काला झंडा लेके, आपका मुर्दाबाद नारा लग रहा है, तो वो बदल जा रहा है रास्ता, बदल सांसद को रोड के लिए विरोध झेलना पड़े, इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगा। इसी से समझ लीजिए कि कितना है। और मोदी जी बहुत हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं, मगर पता नहीं कैसे वो चूक गए इस मामले में कि वो सबका रिव्यू करते हैं, कौन सांसद क्या कर रहा है, कितना काम किया क्षेत्र में, कितना उसका असर है, कितना प्रभाव है, मगर इसमें और 10 जगह से और फीडबैक लेते हैं, मगर ये कैसे फीडबैक में गड़बड़ी हो गई, ये तो आश्चर्य लगता है। ये औरंगाबाद में तो डमाडोल स्थिति थी ही, अब वो भी हो गई है वहाँ भी, बिल्कुल। मगर यही है कि वहाँ लोग वामपंथ को जिताना नहीं चाहते, जो CPI के उम्मीदवार हैं उनको जिताना नहीं चाहते लोग, तो अंत में जीतेंगे भी तो मजबूरी के वोटों से जीतेंगे, कोई उनको अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेगा, वो लाचारी का वोट होगा, लाचारी का वोट होगा। तो देखिए, इसके अलावा अब तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को जवाब दिया, आपको मालूम होगा कि लगातार 2-3 दिनों से नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसमें वो लालू यादव के बेटा और बेटी की संख्या को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने मंच से एक एक करके गिनवाया है। सबसे पहले तो वही बता दीजिए कि क्या तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जवाब दिया। तेजस्वी यादव
अतीत में लौट गए नीतीश कुमार को अपने चचा जी को जवाब देने के लिए, आज से 100 साल पहले के इतिहास में लौट गए, और उन्होंने 14 नामी गिरामी लोगों की एक सूची बताई, जारी की, जिनके 6 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं या भाई बहन हैं उतने ज़्यादा। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम है, रविनाथ टैगोर का नाम है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम है, बीबी गिरी का पूर्व जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है, ऐसे ही और कई लोगों के नाम हैं। तो ये तो आज से 70-80 साल 100 साल पहले की कहानी है, उसमें एक भी वो आज के नेताओं का अपनी पीढ़ी का नेता का नाम नहीं दे पाए जिनके 7, 8, 9 या 10 भाई बहन हो। तो वो देते तो वो ज़्यादा प्रभावी होता। पहले तो स्वाभाविक है, पहले तो लोग ज़्यादा बच्चे होते ही थे, सबके घर में होते थे, लोग दो दो शादियाँ भी करते थे, बच्चे भी ज़्यादा होते थे, उससे लगता था कि परिवार बढ़ेगा, तो उस समय आबादी कम थी। मगर अब तो आबादी इतनी ज़्यादा है और उसमें ये इस तरह से एक तरह से मतलब आबादी बढ़ाने का वो एक तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि ये गलत नहीं है। ठीक है, वो 7-8 भाई बहन हैं तो ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, कोई आपत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। मगर नीतीश जी ये आलोचना करके अपना अपनी हंसी उड़वा रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी को जिस तरह से वो चाचा के रूप में ट्रीट कर रहे हैं और उनके साथ वो काम भी किए हैं नीतीश जी, उनको प्रमोट भी किया है, यहाँ तक कि वो सब लोगों को वो याद होगा कि जब वो साथ थे, उनके डिप्टी सीएम थे उनके सरकार में, तो वो कहते थे तो अब तो यही होगा, अब यही संभालेगा, अब इसी को सब करना है, अगले चुनाव में यही इसी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और उसके बारे में आप ऐसी बातें कह रहे हैं तो ये तो बहुत हैरान करने वाला है। और नीतीश जी जैसे सभ्य और शालीन माने जाने वाले व्यक्ति से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके जो कट्टर समर्थक होंगे वो भी इससे दुखी और नापसंद करेंगे कि नीतीश जी इस तरह से किसी को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी इतना बुरा है तो आप उसके गलबहियाँ डाल के कैसे घूम रहे थे और उसको अपना भी नेता आप घोषित कर दिए कि अब यही सब कुछ करेंगे, यही अब भविष्य के नेता हैं, और आगे करके मीडिया के आगे ठेल के कहते थे कि अब तो इसी को करना है, अब यही अगले चुनाव में इसी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और अचानक वो आदमी इतना बुरा हो जाता है। तो ये राजनीति कौन सी राजनीति है? ये घृणा की राजनीति, अपमानित करने की राजनीति, किसी को जलील करने की राजनीति, छोटा दिखाने की राजनीति, ये तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए और कोई इसको पसंद नहीं करता। आप कैसे देखते हैं? असल में नीतीश कुमार माने दो तीन चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। एक तो वो प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में, अमित शाह की सभा में जाकर भी उन्होंने इस बात को कहा कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, कुछ दिन चले गए थे, ये वहाँ अपनी विश्वसनीयता। दूसरा, अभी तेजस्वी और उनका पूरा परिवार जिस तरह से नीतीश कुमार को चाचा जी कह के, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियन हैं, उन पर नो कमेंट ये लोग कह रहे हैं, उस भ्रम को ये तोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो लोग हम पर वार करें, और इसीलिए तीखे हमले कर रहे हैं, क्योंकि जनता इन चीज़ों को समझ रही कि भाई ये लड़का तो उनको कुछ कह ही नहीं रहा है और ये इतना आग उगल रहे हैं। ये आग भी इसीलिए उगल रहे हैं कि वो लोग कुछ हमला जबरदस्त करना शुरू करें जिसका असर उनको देखने को मिले। नीतीश कुमार को इसीलिए लालू प्रसाद यादव कहते रहे कि उनके पेट में दांत है और वो कब कौन सी चाल चलेंगे ये समझना बहुत मुश्किल है। माने अभी उन लोग कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी सारे राजनीतिज्ञों पर उनके चाल जो हैं वो भारी पड़ जाते हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार लगातार ये गंभीर हमले जो कर रहे हैं और उन पर जो लांछन लगा रहे हैं उसके पीछे यही है कि ये लोग हम पर हमला बोलना शुरू करें। इसका चुनाव के समय ये बात बोलने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? नीतीश कुमार को ये लगता है कि इससे हमको फायदा होगा, असल में वो अपने जो मिशन में उसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन राजनीति इस गंदी उस पर चली जाएगी तो नीतीश कुमार की माने विधानसभा में वो जो शब्द उन्होंने बोले थे उसको लेके एक उनकी पहचान बन गई है। बच्चा पैदा करना, नहीं पैदा करना, कैसे नहीं होगा, कैसे होगा, ये उनका हो गया है। हाँ, तो ये सब बातें जो कर रहे हैं इससे वो हल्के हो रहे हैं, इसलिए उनको इस तरह के अटैक पर रुकना चाहिए। तो
तो देखिए, ये आज दिन भर की जो राजनीतिक घटनाएं थी उसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस की ही चर्चा चलती रही। 40 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव होना है, 4 सीटों पर संपन्न हो चुका है, अगले 5 सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में होगा 26 अप्रैल को, जिसमें भागलपुर, बांका, किशनगंज, आपका पूर्णिया, कटिहार, ये 5 सीटें हैं और उसको लेकर पूरा प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज पूर्णिया में जाकर जो बात कही है, अभी सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की चल रही है कि क्या दुश्मनी पप्पू यादव से इस कदर बढ़ गई है कि या तो इंडिया या फिर एनडीए, तेजस्वी यादव को ये कहना पड़ा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।